चलिए तो पिछले वीडियो में जो है हम लोग मीन निकालना सीखे थे वो भी अनग्रुप डाटा के लिए ठीक है ना आज हम लोग पढ़ेंगे मीन फॉर ग्रुप डाटा ठीक है मीन फॉर ग्रुप डाटा कि कोई ग्रुप डाटा हो ग्रुपिंग में हो डाटा तो उसका मीन कैसे निकालते हैं तो सबसे पहले ग्रुप डाटा से हम एक टर्म डिसाइड करने वाले हैं जिसका नाम होगा इंटरवल एक टर्म डिसाइड करने वाले हैं जिसका नाम है इंटरवल इंटरवल क्या होता है तो इंटरवल बेसिकली क्या होता है समझो कोई भी डाटा है जैसे एक एग्जांपल से तुमको समझा रहे हैं आराम से समझना ठीक है ना लेट्स एक सर्वे हुआ ठीक है एक सर्वे हुआ जिसमें ट्वेंटी फैमिली का सर्वे हुआ ट्वेंटी फैमिलीज तो ट्वेंटी फैमिलीज़ का जब इसमें सर्वे हुआ तो देखा गया एक कि चाइल्ड की जो संख्या थी चाइल्ड मतलब जो बॉयज़ थे वो गर्ल्स थे सर्वे में ट्वेंटी फैमिली थी ट्वेंटी फैमिली में जो चाइल्ड थे वो तो ऐसे टू 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 थ्री फाइव सिक्स टू वन टू थ्री फोर नाइन वन थ्री टू फोर कितना हो गया तीन दो पाँच दो सात दो नौ दो ग्यारह दो तेरह दो पंद्रह एक सोलह चार दो तीन वन ऐसे टोटल कितना हो गया एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह बीस बीस फैमिली का सर्वे हुआ और उन सारे फैमिलीज़ का सर्वे में देखा गया कि उनके कितने कितने बच्चे थे तो फर्स्ट नंबर फैमिली देखा गया जिसके अंदर दो बच्चे थे सेकेंड नंबर फैमिली देखा गया जिसके अंदर दो बच्चे थे थर्ड नंबर फैमिली देखा गया जिसके अंदर दो बच्चे थे अब जो भी सवाल पूछा जाए उसका आंसर तुमको देना है सवाल है फर्स्ट नंबर हाउ मेनी नंबर ऑफ फैमिलीज दे हैव टू चिल्ड्रंस टू चिल्ड्रंस दो चिल्ड्रेंस थे तो कितने फैमिलीज थे तो उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है दो चिल्ड्रेन की एक दो तीन चार पाँच छ सात सात ऐसे फैमिली थे जिनकी जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस थे वो कितने थे दो थे दो चिल्ड्रंस थे अच्छा हम अगला सवाल पूछे हाउ मेनी नंबर ऑफ फैमिलीज दे हैव वन चिल्ड्रंस वन चिल्ड्रेन कितने चिल्ड्रन फैमिली थे जिसके पास जो है एक चिल्ड्रन थी तो कितने चिल्ड्रन एक है फिर यहाँ पर एक है फिर यहाँ पर एक है तो कितने ऐसे बच्चे थे जिसके पास एक चिल्ड्रन थी तो एक दो तीन तीन ठो तो फ्रीक्वेंसी जो है तीन चिल्ड्रन की कितने हो गए सॉरी uh, वन चिल्ड्रन की कितने थे वन थे तीन थे उसी तरह सवाल अगर वो भी पूछ सकते हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ फैमिलीज दे हैव फोर चिल्ड्रेन फोर चिल्ड्रंस फोर चिल्ड्रंस कितने कितने के पास था फोर चिल्ड्रेंस था एक तो फिर दो ठो तीन ठो और कोई पास था नहीं तीन फैमिलीज के पास तो फोर फोर चिल्ड्रेंस वाले की संख्या कितनी थी तीन फैमिली थी ठीक है अच्छा अगला अगर हम पूछें कि हाउ मेनी नंबर ऑफ फैमिलीज दे हैव सिक्स है फाइव चिल्ड्रेन फाइव चिल्ड्रेन तो फाइव चिल्ड्रेन वाले की संख्या कितनी थी फाइव तो चिल्ड्रेन की संख्या कितनी है एक ठो फिर एक ही ठो है एक ठो फाइव चिल्ड्रेन वाले लोग जो फैमिली थे उनकी संख्या एक ठो थी अगला सवाल है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ फैमिलीज दे हैव नाइन चिल्ड्रेन हाउ मेनी नंबर ऑफ फैमिलीज दे हैव नाइन चिल्ड्रेन नौ चिल्ड्रेन की संख्या कितनी थी एक थी देखो एफ नाइन एक हीट है नौ गो चिल्ड्रन की संख्या एक एक गो है फैमिली ऐसे फैमिली का नाम बताओ जिसके पास पाँच चिल्ड्रेन थे छः चिल्ड्रेन थे छः चिल्ड्रेन तो छः चिल्ड्रेन के भी वन था तो अगला सवाल ये भी पूछ सकते हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ फैमिलीज़ दे हैव सिक्स चिल्ड्रेन तो सिक्स चिल्ड्रेन की संख्या कितनी थी वन थी उसकी फ्रीक्वेंसी भी वन समझ में आया अब हमको पता चल गया कि अगर हम इन सारे डाटा को इन सारे जो फैमिलीज़ की जो संख्या है इनको एक ग्रुप करके लिख सकते हैं क्या करके लिख सकते हैं ग्रुप करके कैसे समझो बताओ कि अगर हम फैमिली के बात करते हैं तो नंबर ऑफ फैमिली बताओ क्या हुआ है ट्वेंटी नंबर ऑफ फैमिली ट्वेंटी है तो बताओ कि अगर हम बोलें कि टू चिल्ड्रन वाले कितने फैमिली थे वन चिल्ड्रन वाले कितने फैमिली थे इस तरह के एक डाटा हम बना रहे हैं नंबर ऑफ फैमिलीज फैमिलीज कौन कौन से फैमिलीज नाम दे देते हैं हम वन चिल्ड्रन वाले फैमिली ठीक है ना टू चिल्ड्रन वाले फैमिली थ्री चिल्ड्रेन वाले फैमिली फोर चिल्ड्रेन वाले फैमिली फाइव चिल्ड्रेन वाले फैमिली सिक्स सेवन एट नाइन नाइन चिल्ड्रेन वाली फैमिली नाइन तक ही है ठीक है ना अच्छा ध्यान से नाम आगे हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी का तो बताओ एक चिल्ड्रेन वाले कितने फैमिली थे एक चिल्ड्रेन वाले तीन फैमिली थे तीन तीन फैमिली थे अच्छा दो चिल्ड्रन वाले कितने फैमिली थे दो चिल्ड्रन वाले कितने फैमिली थे दो चिल्ड्रेन वाले कोई फैमिली नहीं थे जीरो थे तीन चिल्ड्रन वाले तीन चिल्ड्रन वाले कितने फैमिली थे तो दो चिल्ड्रन वाले कितने फैमिली थे ओ सॉरी सात थे जीरो लिख दिए सात तीन चिल्ड्रन वाले कितने फैमिली थे तीन चिल्ड्रन वाले वन चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन थ्री चिल्ड्रन सिक्स चिल्ड्रन थ्री चिल्ड्रन वाले कोई फैमिली नहीं हैं थ्री चिल्ड्रन वाले ऐड नहीं किए हैं सॉरी थ्री चिल्ड्रन वाले सवाल में ही नहीं दिए थे थ्री चिल्ड्रन वाले एक थे दो थे और तीन थे चार थे चार फैमिली थे ठीक है चार फैमिली फोर चिल्ड्रन वाले फोर चिल्ड्रेन वाले कितने थे तीन थे फाइव चिल्ड्रन वाले फाइव चिल्ड्रेन वाले फाइव चिल्ड्रेन वन थे सिक्स चिल्ड्रन वाले सिक्स चिल्ड्रेन वाले भी वन थे सेवन चिल्ड्रन वाले जीरो थे एट चिल्ड्रेन वाले भी जीरो है नाइन चिल्ड्रेन वाले वन है अब बताओ कि इस फ्रीक्वेंसी को एक रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है जिसका नाम होता है टैली मार्क क्या नाम होता है टैली मार्क ये बचपन में पढ़ा होगा टैली मार्क क्या होता है कि पहले जो है तीन ठो लाइन पाँच ठो लाइन पाँच ठो लाइन हम ड्रा करते हैं सीधा और छठा लाइन जो है ड्रॉ करते हैं उसके डायगोनली ठीक है ना ये टैली मार्क का रिप्रेजेंटेशन होता है तो यहाँ पर तीन ही लाइन है तीन ही टो स्टूडेंट्स है तीन ही ठो फैमिलीज हैं तो इसलिए तीन तीन लाइन छोड़ देंगे सात दो के लिए सात है दो के लिए कितना है सात एक दो तीन चार पाँच छः सात सात है तो सात के लिए हम क्या करेंगे कि पहले पाँच ठो ड्रॉ करेंगे एक दो तीन चार पाँच और पाँचवा लाइन ड्रॉ करेंगे सामने से डायगोनली और, और पाँच गो हो गया है यहाँ पर दो गो और बच गया सात गो चार ठो तो एक दो तीन चार चार ठो ड्रॉ करेंगे तीन एक दो तीन एक ठो एक एक टो एक जीरो के लिए कुछ नहीं कुछ नहीं एक लिए इस तरह से टैली मार्क्स होता है क्लियर हुआ है। तो इन सारे डाटाज को हम जो कर है हम क्या किए एक डिस्ट्रीब्यूट कर दिए फ्रीक्वेंसी में क्या किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एक फ्रीकवेंसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इस डाटाज को हम लोग नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन सारे डाटाज को एक टेबल में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है इसका नाम होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है समझ में आया इस तरह से अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया अब बताओ कि इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करना इन सारे डाटा जो फैमिलीज थे नंबर ऑफ़ फैमिलीज जो थे एक चिल्ड्रेन दो चिल्ड्रेन तीन चिल्ड्रेन चार चिल्ड्रेन पाँच चिल्ड्रेन छः चिल्ड्रेन वाले सात चिल्ड्रेन वाले एट चिल्ड्रेन वाले नाइन चिल्ड्रेन वाले जितने भी फैमिली थे उनको एक ग्रुपिंग करना एक इंटरवल में रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो क्या कहलाता है ग्रुप डाटा कहलाता है ग्रुप डाटा तो अब इनको हम इंटरवल में रिप्रेजेंट करेंगे तो इंटरवल जो होता है बेसिकली दो तरह का होता है इंटरवल जो होता है कितने तरह का होता है दो तरह का एक होता है एक होता है इंक्लूसिव इंटरवल एक होता है एक्सक्लूसिव इंटरवल एक एक होता है इंक्लूसिव इंटरवल एक होता है एक्सक्लूसिव इंटरवल देखो इंक्लूसिव इंटरवल क्या होता है और एक्सक्लूसिव इंटरवल क्या होता है इसको हम अच्छा समझा रहे हैं आराम से समझो इंक्लूसिव इंटरवल में जो कोई भी इंटरवल होता है ठीक है इंटरवल का मतलब होता है जैसे मान लो कि एक एक फिर दो फिर दो तीन ऐसे लिखा फिर तीन फिर तीन चार ऐसे लिखा हुआ है तो अगर हम इस चीज़ को हम इंटरवल में रिप्रेजेंट करें इंटरवल का मतलब कि एक लिमिट में इसको डाल दें कि बताओ कि एक से दो तक एक से दो तक में कितने जो नंबर हैं एक से दो तक में तो एक से दो तक में कितने नंबर हैं एक से दो तक का मतलब होगा कि एक दो तीन चार पांच पांच नंबर है ठीक है ना इंक्लूसिव में कितने नंबर है एक से दो तक एक दो तीन चार पाँच छः सात सात नंबर है एक और दो तो इंक्लूसिव में मतलब है कि मान लो कि कोई इंटरवल हम लिख रहे हैं ए से बी तो ए से बी में ए भी इंक्लूड होगा इंक्लूसिव पर मतलब इंक्लूड और बी भी क्या होगा इंक्लूड होगा इंक्लूड होगा समझ में आया ना मतलब ए से बी तक इसको इंटरवल हम इंटरवल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे वन से दो फिर फिर क्या लिखेंगे दो से तीन दो से तीन ठीक है ना दो से तीन नहीं इंक्लूसिव में यही तो है कि अगला तीन से चार होगा दो को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे वन इंक्लूड कर लिए यहाँ पे भी दो इंक्लूड कर लिए यहाँ पे भी वन इंक्लूड कर लिए यहाँ पे भी दो इंक्लूड कर लिए दो कैंसिल हो जाएगा अब हमको तीन से चार लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो दो एक और दो दोनों इंक्लूड कर ही लिए इंक्लूडेड का मतलब होता है कि ए और बी से लेकर इंटरवल लिखा हो तो इंक्लूसिव सीरीज सीरीज में इंटरवल में ए भी इंक्लूड होगा बी भी इंक्लूड होगा तो यहाँ एक से दो लिख दिए तो एक तो इंक्लूड कर ही लिए दो तो इंक्लूड कर ही लिए अगला में दो से तीन लिखेंगे तो दो को इंक्लूड नहीं करना है ठीक है ना वो एक्सक्लूसिव में आ जाएगा एक्सक्लूड कर दिए उसको नहीं करना है अब तीन से चार करना है तीन से चार मतलब तीन को और चार के बीच में कितने हैं समझ में आया तो अगर हम इस चीज़ को इंक्लूसिव में बता दिए तो एक्सक्लूसिव में क्या है एक्सक्लूसिव का मतलब है कि वही चीज़ को अगर हम वन 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 दो तीन चार पाँच पाँच दो दो तीन 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 चार ऐसे लिख लिए तो एक्सक्लूसिव का मतलब है कि वन 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 एक से दो लिख रहे हैं तो दो को एक्सक्लूड करना है इंक्लूड नहीं करना है नॉट इंक्लूड नॉट इंक्लूड एक्सक्लूड का मतलब नॉट इंक्लूड और वन को इंक्लूड करना है इंक्लूड मतलब अगर ए से बी लिखा हो तो ए को इंक्लूड करना है और बी को एक्सक्लूड करना है समझ में आया ए होता है हमारा इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज समझ में आया अच्छा कोई भी ए से बी लिखा हो कोई भी रेंज ए से बी लिखे हैं हम तो ए को हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट और बी को बोलते हैं अपर लिमिट ठीक है तो ऐसे बोल सकते हैं कि इंक्लूसिव सीरीज में लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों जो है इंक्लूड होते होता है जबकि जबकि इन एक्सक्लूसिव सीरीज में लोअर लिमिट जो है वो इंक्लूड होता है जबकि अपर लिमिट जो है एक्सक्लूड होता है समझ में आया जैसे हम दो एग्जाम्पल बताते हैं ध्यान से सुनना जैसे मान लो कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ऐसे यहाँ पे इंटरवल यहाँ पे दिया है वन से टू फिर तीन से चार फिर पाँच से छः फिर सात से आठ फिर नौ से दस ये दिया हुआ है और वन से दो तक के चार फैमिली हैं तीन से चार तक के छः फैमिली है पाँच से छः तक के सात फैमिली है आठ सात से आठ तक के दो फैमिली है नौ से दस तक के ग्यारह फैमिली ये फ्रीक्वेंसी है उसका फैमिली का इंटरवल का एक से दो से दो के बीच में कितने हैं जैसे यहाँ पे एक से दो के बीच में तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि ये इंटरवल जो लिखा हुआ है वो क्या है इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव तो इसको बोलेंगे इंक्लूसिव सीरीज है क्यों इंक्लूसिव इंटरवल है इसलिए इंक्लूसिव इंटरवल है क्योंकि यहाँ पर वन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा दो को भी क्योंकि अगला में दो नहीं है तीन है तो ये जो है हमारा इंक्लूसिव इंटरवल है इंक्लूसिव इंटरवल इंक्लूसिव इंटरवल इसमें जस्ट एक आगे से होता है स्टार्ट जस्ट एक आगे से जस्ट एक आगे से ठीक है ना जस्ट एक आगे से इंक्लूसिव सीरीज में जो है दोनों इंक्लूड होता है लेकिन जस्ट एक आगे से स्टार्ट होता है जबकि एक्सक्लूसिव सीरीज का एग्जाम्पल लें हम तो देखो आ, वन से दस फिर दस से उन्नीस फिर उन्नीस से अट्ठाईस फिर अट्ठाईस से सैतीस फिर सैंतीस से छियालीस इस तरह ये जो इंटरवल है हम इंटरवल मान लो एक से दस तक के छः फैमिली हैं दस से उन्नीस तक के बीस फैमिली हैं उन्नीस से अट्ठाईस तक के ग्यारह फैमिली हैं अट्ठाईस से सैंतीस तक के दो फैमिली हैं ये बारह फैमिली ऐसे लिखा हुआ है तो ये फ्रीक्वेंसी है उस फैमिली का उसके बीच में कितने लोग हैं एक से दस के बीच में कितने लोग हैं लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान से कि जस्ट ये सेम चीज़ स्टार्ट हुआ है एक से यहाँ पर दस अगर इंक्लूड कर लिए तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर अगर हम दस इंक्लूड कर लिए इस जगह पर देखो यहाँ पे दस इंक्लूड कर लिए तो फिर इसमें दस क्यों इंक्लूड करेंगे नहीं ना करेंगे इसलिए यहाँ पर दस को हम एक्सक्लूड कर देते हैं क्या कर देते हैं एक्सक्लूड और यहाँ पर दस को कंसिडर कर लेते हैं जैसे यहाँ पर वन को इंक्लूड किए और दस को एक्सक्लूड कर दिए उसी तरह दस को यहाँ पे इंक्लूड किए उन्नीस को एक्सक्लूड कर दिए यहाँ पे उन्नीस को इंक्लूड किए इसको एक्सक्लूड कर दिए इसको इंक्लूड इसको एक्सक्लूड इसको इंक्लूड इसको एक्सक्लूड तो इसका मतलब है कि एक लोअर लिमिट को हम इंक्लूड कर रहे हैं और अपर uh, लिमिट को एक्सक्लूड कर रहे हैं इसलिए ये जो सीरीज है हमारा वो कौन सा सीरीज है एक्सक्लूसिव सीरीज है एक्सक्लूसिव सीरीज या एक्सक्लूसिव इंटरवल है समझ में आया ना एक्सक्लूसिव इंटरवल है तो हम तुमको बता दिए कि इंटरवल दो तरह का होता है कोई भी डाटा को जो है दो तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव में अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होगा इंक्लूसिव सीरीज में इंक्लूसिव सीरीज में अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट जो है हर एक क्लास का वो क्या रहेगा इंक्लूड रहेगा इंक्लूडेड जबकि एक्सक्लूसिव सीरीज में एक्सक्लूसिव सीरीज में अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपर लिमिट जो है वो क्या होगा एक्सक्लूड होगा जबकि लोअर लिमिट जो है इंक्लूड होगा ठीक है याद रखना समझ में आया ना ये था हमारा इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज ठीक है समझ में आया अच्छी बात है आगे है कि हम इस इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ठीक है ना इस इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हमको देखना है हाउ टू कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज टू एक्सक्लूसिव सीरीज हाउ टू कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज टू एक्सक्लूसिव सीरीज अब सुनो ध्यान से सुनना जैसे मान लो कि यहां पर इंक्लूसिव सीरीज एक बना रहे हैं हम यहाँ पे इंक्लूसिव सीरीज इंक्लूसिव सीरीज ऐसे वन से दो फिर दो से तीन सॉरी दो से तीन नहीं इंक्लूसिव में वन और टू इंक्लूड होता है वन और टू दोनों अगला में तीन और चार को इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि दो यहाँ कर ही लिए तो फिर यहाँ लिखेंगे फिर चार चार नहीं फिर पाँच पाँच टू फिर सात टू आठ फिर आठ टू नौ ओहो नौ टू दस फिर ग्यारह टू बारह ऐसे इंक्लूसिव सीरीज है तो हम इसको एक्सक्लूसिव में कैसे करेंगे समझना ध्यान से सुनो ध्यान से ध्यान से देखो कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा हमेशा एक के बराबर होगा किसके बराबर होगा एक के पाँच में से चार गया तो एक सात में से छः गया तो एक नौ में से आठ गया तो एक ग्यारह में से दस गया तो एक हमेशा एक के बराबर होगा तो तुमको करना क्या है कि एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए तुमको करना क्या है कि फर्स्ट क्लास के फर्स्ट क्लास के इंटरवल में फर्स्ट क्लास के आ, अपर लिमिट में सॉरी फर्स्ट क्लास के फर्स्ट क्लास नहीं सेकंड क्लास लिखो सेकंड क्लास के लोअर लिमिट से लोअर लिमिट से हटाना है फर्स्ट क्लास के अपर लिमिट को अपॉन दू से डिवाइड करना है ठीक है ये चीज जो आया इसको थोड़ा देर हम रहे 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 मान रहे हैं एक्स क्या कर रहे हैं एक्स कर रहे हैं मान रहे हैं सेकेंड क्लास के लोअर लिमिट में से फर्स्ट क्लास के अपर लिमिट को घटाना है और दो से डिवाइड करना है तो सेकेंड क्लास के लोअर लिमिट लोअर लिमिट क्या है सेकेंड क्लास के लोअर लिमिट तीन है और फर्स्ट क्लास के अपर uh, लिमिट क्या है दो है तीन में से दो गया एक एक बटा दो कितना होगा जीरो पॉइंट पर अब क्या करना है कि एक्सक्लूसिव सीरीज में एक्सक्लूसिव सीरीज में वही चीज वही चीज लोअर लिमिट में लोअर लिमिट में ये जो आया है एक्स उसको घटाना है और अपर लिमिट में अपर लिमिट में वही एक्स क्या करना है जोड़ना है वही एक्स क्या करना है जोड़ना है कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है कन्वर्ट हो जाएगा बात हुआ कैसे अभी समझाते हैं देखो पहले हम सेकेंड क्लास के फर्स्ट में से इसको घटाएंगे तीन में से दो गया तो कितना बचेगा वन तीन में से दो गया तो बचेगा वन वन बाई टू कितना होगा जीरो पॉइंट पाँच तो अब क्या करना है कि अगला एक्सक्लूसिव सीरीज बनाने के लिए एक्सक्लूसिव सीरीज बनाने के लिए तीन में से दो गया एक, एक बटा दो कितना होगा जीरो पॉइंट पाँच हमेशा आएगा जीरो पॉइंट पाँच ही पाँच में से चार गया एक चार एक बटा दो देखो ना सेकेंड क्लास के लोअर लिमिट तो सेकेंड क्लास के लोअर लिमिट क्या है तीन है फर्स्ट क्लास के अपर लिमिट दू है उसमें तो घटाएंगे और से डिवाइड करना है माइनस फर्स्ट क्लास के अपर लिमिट पर से दु से डिवाइड करना है तो कितना है तीन है तीन में से दो गया एक एक बटा दो जीरो पॉइंट पाँच होगा तो लोअर लिमिट जो है लोअर लिमिट में से ज़ीरो पॉइंट पाँच हटाना है और अपर लिमिट में जीरो पॉइंट पाँच क्या करना है जोड़ना है समझ में आया ना उसी तरह तीन में लोअर लिमिट जीरो पॉइंट पाँच हटाना है उसी तरह इंटरवल के बीच में हाइफन का साइन है हाइफन का ये हाइफन है हाइफन ठीक है, है ना हाइफन का साइन है उसी तरह चार में हमको क्या करना है जीरो पॉइंट पाँच जोड़ना है उसी तरह पाँच में हमको जीरो पॉइंट पाँच हटाना है और छः में जीरो पॉइंट क्या करना है जोड़ना है उसी तरह सात में जीरो पॉइंट पाँच हटाना है उसी तरह आठ में जीरो पॉइंट क्या करना है पाँच जोड़ना है उसी तरह नौ में जीरो पॉइंट पाँच हटाना है और दस में ज़ीरो पॉइंट पाँच क्या करना है जोड़ना है उसी तरह ग्यारह में से ज़ीरो पॉइंट पाँच हटाना है और बारह में से जीरो पॉइंट पाँच जोड़ना है कर लो देख लो आ जाएगा अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा इसको एक में से जीरो पॉइंट बजाएंगे तो जीरो पॉइंट पाँच बजेगा और एक हो जाएगा दो पॉइंट पाँच उसी तरह तीन में से एक घटाएंगे तो दो पॉइंट पाँच हो जाएगा आई हो जाएगा तीन पॉइंट पाँच फिर ये घटाएंगे तो तीन पॉइंट पाँच बचेगा ठीक है ना कितना हो जाएगा चार पॉइंट पाँच चार पॉइंट पाँच हो जाएगा ये हो जाएगा चार पॉइंट पाँच से लेके छ पॉइंट पाँच फिर यहाँ पे छः पॉइंट पाँच हो जाएगा देखो ना सात में से जीरो पॉइंट पाँच घटाएँगे छः पॉइंट पाँच से हो जाएगा ये कितना आठ पॉइंट पाँच फिर हो जाएगा इसमें घटाओ नौ में से तो आठ पॉइंट पाँच बचेगा दस पॉइंट पाँच कि दस पॉइंट पाँच से कितना बारह दस दो बारह पॉइंट पाँच इतना हो गया देखो ध्यान से कि ये एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हो गया एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे देखो जीरो पॉइंट पाँच से दो पॉइंट पाँच तो जीरो पॉइंट पांच को इंक्लूड करना है जीरो पॉइंट पाँच को क्या करना है यहाँ पे इंक्लूड करना है इंक्लूड जबकि दो पॉइंट पाँच को इंक्लूड नहीं करना है क्यों नहीं करना है क्योंकि अगला में दो पॉइंट पाँच है तो इसमें इंक्लूड करना है इसमें एक्सक्लूड सॉरी इसमें एक्सक्लूड करना है इसमें इंक्लूड करना है इस तरह इसमें एक्सक्लूड करना, करना है इसको इंक्लूड करना है ठीक है ना इस तरीके से तो इस तरह से जो है हम इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करते हैं ठीक है चलिए अगला टॉपिक है हमारा रेंज अगला टॉपिक है हमारा रेंज तो रेंज क्या होता है तो कोई भी डाटा में रेंज बेसिकली क्या होता है कि इट इज डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन द हायर वैल्यू हायर ऑब्जर्वेशन माइनस ऑब्जर्वेशन एंड लोअर ऑब्जर्वेशन ठीक है जैसे मान लो कि अगर हम इस तरह से एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर करते 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 एक्स एन इसको इन ऑब्जर्वेशन को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए असेंडिंग ऑर्डर में ये क्या हमारा असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग का बढ़िया से मीनिंग देख लेना असेंडिंग ऑर्डर में तो एक्स वन जो है वो हमारा क्या है सबसे छोटा वैल्यू है इस्मॉलर वैलू स्मॉलर ऑब्जर्वेशन और ये जो है एक्स एन वो सबसे क्या है हायर ऑब्जर्वेशन है हायर ऑब्जर्वेशन तो रेंज का मतलब होता है कि इन दोनों का डिफरेंस रेंज मतलब हायर ऑब्जर्वेशंस माइनस लोअर ऑब्जर्वेश्स इज कॉल्ड रेंज सो क्या बोलते हैं हम लोग रेंज बोलते हैं क्लियर हुआ जैसे एग्जाम्पल में मान लो कि एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ इस तरह से लिखा हुआ डाटा उसका रेंज बताओ तो रेंज बेसिकली क्या होगा हायर में से लोअर हो क्या कर देंगे सब ट्रैक कर देंगे साथ ही इधर क्या हो गया रेंज हो गया क्लियर हुआ तो ये तो ग्रुप डाटा के लिए रेंज था अनग्रुप डाटा के लिए अब ग्रुप डाटा के लिए रेंज की जगह पे एक बहुत ही बढ़िया सा चीज डिफाइन करते हैं हम लोग क्लास मार्क्स ठीक है ना क्लास मार्क्स क्लास मार्क्स क्या होता है क्लास मार्क्स मान लो क्या है मान लो कि क्लास मार्क्स इट इज द इट इज द मिडिल वैल्यू ऑफ मिडिल वैल्यू ऑफ इट इज द मिडिल वैल्यू ऑफ इंटरवल कोई भी इंटरवल का मिडिल वैल्यू जो होता है वो क्या कहलाता है क्लास मार्क होता है जैसे मान लो कि कोई इंटरवल है ए टू बी ए टू बी उसका मिडिल वैल्यू क्या होगा ये e जो ए है हमारा क्या है लोअर लिमिट है और बी क्या है हमारा अपर लिमिट है ठीक है तो क्लास मार्क बेसिकली क्या होगा कि इनके बीच के मिडिल वैल्यू बीच वाला वैल्यू बीच वाला वैल्यू कैसे आएगा तो मान लो कि बीच वाला वैल्यू मान लो इसका एक्स है फिलहाल के लिए मान रहे हम एक्स ठीक है अब एग्जाम्पल से समझाने के लिए तुमको एक्स निकालने का तरीका समझा रहे हैं क्लास मार्क कैसे निकालेंगे क्लास मार्क बेसिकली क्या है इन इंटरवल के बीच वाला वैल्यू है तो बेसिकली देखो ध्यान से कि मान लो कि हम 10 टू 20 एग्जाम्पल लिए 10 से 20 इंटरवल के बीच में बीच वाला वैल्यू क्या होगा 10 से 20 के बीच में बीच वाला वैल्यू क्या होगा तो दस से बीस के बीच में एक बीच में वाला वैल्यू क्या होगा बताओ पंद्रह होगा दस और बीस के बीच में बीस वाला वैल्यू क्या होगा दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस और बीस इसके बीच वाला वैल्यू पंद्रह ही है पंद्रह तो ये हम मान रहे हैं कि इंक्लूसिव सीरीज है जिसमें दस भी इंक्लूड है बीस भी इंक्लूड है इसलिए दस को भी इंक्लूड किया बीस को भी इंक्लूड किया तो ध्यान से देखो कि इसके बीच वाला जो वैल्यू होगा वो क्या है पंद्रह तो ध्यान से देखो कि इस इंटरवल के बीच में पंद्रह से दस के बीच के डिफरेंस कितना है पाँच है और पंद्रह से देखो दस पंद्रह में से दस घटाएंगे तो कितना बचेगा पाँच और बीस में से पंद्रह घटाएंगे तो कितना बचेगा पाँच हमेशा डिस्टेंस सेम रहेगा जैसे मान लो कि एक से दो के बीच में बीच वाला वैल्यू क्या होगा जीरो पॉइंट पाँच होगा तो एक में से जीरो पॉइंट पाँच घटाओ तो कितना बचेगा जीरो पॉइंट पाँच फिर दो में से जीरो पॉइंट पाँच घटाओ कितना बचेगा कितना बचेगा बजेगा सॉरी एक से दो है एक से दो के बीच में जीरो पॉइंट पाँच नहीं होगा बीच वोला एक पॉइंट पाँच होगा सॉरी एक से दो के बीच में एक पॉइंट पाँच होगा तो एक से एक पॉइंट पाँच में से एक घटाओ तो कितना बचेगा एक पॉइंट पाँच में से एक घटाएँ तो बजेगा जीरो पॉइंट पाँच उसी तरह दो में से घटाओ एक पॉइंट पाँच तो कितना बजेगा जीरो पॉइंट पाँच मैंने इसको इसमें घटाएंगे और इसमें इसमें घटाएंगे तो डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा सेम आएगा तो उसी तरह अगर मान लो कि कोई इंटरवल है ए और बी उसके बीच वाला वैल्यू अगर एक्स है तो बी में से जो एक्स घटाएंगे और एक्स में से जो ए घटाएंगे उसका डिस्टेंस सेम आना चाहिए डी तो बताओ कि एक्स माइनस ए बराबर बी माइनस एक्स होना चाहिए एक्स को इधर लाओ और ए को इधर ला जाओ तो एक्स और एक्स कितना हो जाएगा टू एक्स उधर जाएगा ए प्लस बी तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी बाई बताओ कि एक्स हम क्या था एक्स एक मिडिल वैल्यू था इंटरवल के बीच में और मिडिल वैल्यू जो होता है वो क्या कहलाता है हमारा क्लास मार्क कहलाता है तो यहां पे क्लास मार्क जो हो गया हमारा क्लास मार्क दैट इज इज लोअर लिमिट प्लस बी इज अपर लिमिट बाई टू दिस इज क्लास मार्क दिस इज क्लास मार्क ठीक है तो ये था हमारा क्लास मार्क के बारे में ठीक है ना तो कोई भी क्लास मार्क हो उसको हम एक्स आई से डिनोट करते हैं और समीशन ऑफ इंटरवल एवरेज का क्या होता है इंटरवल होता है एवरेज ऑफ इंटरवल या मीन ऑफ इंटरवल होता है इंटरवल का मीन होता है मीन का मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो ए ओ बी दो को ऑब्जर्वेशन है सम कर देंगे बाई टू क्लियर हुआ इस तरह से क्लास मार्क होता है जैसे जैसे आ, सवाल है कि बताओ क्लास मार्क बताओ ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं जीरो से दस दस से बीस बीस से तीस तीस से चालीस चालीस से पचास पचास से साठ इसका हमको क्या बताओ क्लास मार्क बताओ ये हमारा इंटरवल हो गया क्लास मार्क बहुत आसान क्या करेंगे ज़ीरो प्लस दस बाई टू अपर प्लस लोअर लिमिट बाई टू तो जीरो प्लस दस पाँच आएगा आना भी चाहिए क्लास मार्क बेसिकली बीच मिडिल वाला वैलू होता है जीरो दस के बीच वाला वैल्यू पाँच होगा दस और बीस के बीच पंद्रह होगा आगे आएगा भी दस प्लस बीस बाई कितना होगा टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई टू कितना आएगा बीस दस तीस बाई टू पंद्रह आएगा तो उसी तरह बीस प्लस तीस बाई टू बीस और तीस के बीच में क्या आएगा पच्चीस होगा तीस और चालीस के बीच में क्या होगा पैंतीस होगा तीस प्लस चालीस बाई टू सत्तर बाई टू पैंतीस आएगा ठीक है ना तो उसी तरह चालीस प्लस पचास बाई टू चालीस पचास बाई टू पैंतालीस आएगा चालीस और पचास के बीच में पैंतालीस आना भी चाहिए उसी तरह पचास प्लस साठ बाई टू पचपन आएगा पचास और साठ के बीच पचपन होता है तो क्लास मार्क इस तरह से हम निकालते हैं क्लियर हुआ चल तो हम तुमको बेसिकली हमें इंटरवल के बारे में समझा दिए और क्लास मार्क के बारे में समझा दिए अब हम स्टार्ट करते हैं मीन फॉर अनग्रुप डाटा मीन फॉर अनग्रुप्ड डाटा मीन फोर मीन फोर अनग्रुप्ड डाटा डाटा ग्रुप नहीं ग्रुपिंग नहीं हो अनग्रुप्ड हो ओ सॉरी अनग्रुप तो पढ़ ही लिए ग्रुप डाटा अनग्रुप पढ़ लिए पीछे पिछले वीडियो में ग्रुप डाटा मैंने इंटरवल के फॉर्मेट में हो तो उसका मीन कैसे निकालते हैं इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करने वाले तो उसको निकालने का तीन मेथड है ठीक है कितने मीटर तीन मीटर पहला डायरेक्ट मेथड दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड और थर्ड नंबर है अस्टेप डेविएशन मेथड स्टेप डेविएशन मेथड तो तीनों जो है हमारा इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट मेथड एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड तीनों के हेल्प से जो है मीन निकालना तुमको ग्रुप डाटा का हम सिखाएंगे ठीक है तीनों से सेम आंसर आएगा ठीक है, है तो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला नंबर डायरेक्ट मेथड ठीक है पहला नंबर है डायरेक्ट मेथड समझो पहले हमको ये नहीं जानना है डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला जानना है सिंपली क्या है ठीक है मीन का फॉर्मूला क्या होता है मीन का फॉर्मूला होता है यहां पे एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई ठीक है ये मीन का फॉर्मूला होता है ठीक है अभी कैसे होता है हम बिल्कुल बताएंगे कैसे होता है जहां पे वेयर एक्स आई जो है एक्स आई एक्स आई बेसिकली क्लास मार्क है हमारा क्या है क्लास मार्क्स वहाँ पे एक्साई जो था ऑब्जर्वेशन था ग्रुप डाटा के लिए लेकिन एक्साई जो है क्लास मार्क है ये मीन का फॉर्मूला ऐसे आया कैसे ये हमको समझना है सुनो मीन का फॉर्मूला ये आया कैसे तो देखो मान लो कि कोई भी ऐसे डाटा था स्प्रेड था ऐसे अनग्रुप डाटा था उसको हम ग्रुप डाटा में कन्वर्ट कर लिए ए से बी बना लिए फिर बी से सी बना लिए फिर सी से डी बना लिए फिर डी से ई e बना लिए फिर ई e से एफ बना लिए फिर एफ से जी बना लिए फिर जी से एच बना लिए ऐसे बना लिए ठीक है बहुत सारा बहुत सारा हम ऐसे जो है हम कन्वर्ट कर लिए ये हमारा इंटरवल हो गया तो ए से बी के बीच में कितने ऑब्जर्वेशंस हैं हमको पता है ए से बी के बीच में ई मीन ऑफ मीन वाला एक फंडा सिखाए थे ना पिछला चैप्टर में सॉरी पिछला लेक्चर में वो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा कि बहुत सारे क्लास थे याद करो बहुत सारे क्लास उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे तो उसका मीन का एवरेज हम निकाले थे तो उसी तरह ए और बी जो है इसके बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे ए और बी के बीच में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं एक इंटरवल के मतलब होता है कि ए और बी के बीच में हम उन सारे स्टूडेंट्स को मच कर दिए कि ए से बी के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते थे याद करो मान लो एफ वन स्टूडेंट्स थे बी से सी के बीच में एफ टू स्टूडेंट्स हैं सी और डी के बीच में एफ थ्री स्टूडेंट्स हैं डी और ई e के बीच में एफ फोर स्टूडेंट्स हैं ई और एफ के बीच में एफ फाइव हैं उस तरह ए फो जी के बीच में एफ सिक्स है जी और एच के बीच में एफ सेवन है तो हम क्या किए हैं कि ए और बी के बीच में उनके संख्या को हम रिप्रेजेंट किए A और बी के बीच में एफ वन स्टूडेंट्स थे तो बताओ कि हम क्या करते थे कि ए और बी के बीच में जितने स्टूडेंट थे उससे उसका मीन निकाल के एफ वन से मल्टीप्लाई कर देते थे याद करो कि हम एक्स बार इक्वल टू क्या बताए थे एक्स बार इक्वल टू एफ वन इंटू एक्स वन बार प्लस एफ टू इंटू एक्स टू बार प्लस एफ थ्री इंटू एक्स थ्री बार प्लस करते 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 एफ एन इंटू एक्स एन बार अपॉन कितना अपॉन अपॉन एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस एफ फोर प्लस करते करते एफ एन ये मीन ऑफ मीन याद है पिछला बताए थे पिछला वीडियो में तो यहाँ पर एक्स बार इज इक्वल टू एफ वन इंटू एक्स वन बार एक्चुअल में है क्या एक्स वन बार बेसिकली है कि ए और बी फर्स्ट क्लास जो है फर्स्ट इंटरवल उसका मीन इसका मीन क्या होगा तो क्या करेंगे इसके बीच बीच वाला वैल्यू होगा मिडिल वैल्यू बीच वाला वैल्यू कैसे निकालते हैं नीचे वाला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई टू मीन का मतलब बीच वाला वैल्यू तो ए और बी के बीच में हम बीच वाला वैल्यू कैसे निकालेंगे उसी को तो एक्साई बोलेंगे और एकसाई क्या है बेसिकली क्लास मार्क है क्लास मार्क है तो बेसिकली एक्साई जो है वो बेसिकली एक्सौन बारह ही है हमारा एक्साई जो है वो हमारा क्या है एक्सौन बारह ही है समझ तो में आया वो कैसे निकालेंगे ए प्लस बी बाई टू करके ठीक है ना उसी तरह बी से सी के बीच में बी से सी के बीच में जो है हमारा बी से सी के बीच में वो क्या है हमारा आ, आ, क्लास मार्क इसके बीच वाला एक्स वन एक्स एक्स वन था एक्स टू है एक्स टू बेसिकली क्या है वो एक्स टू बार ही है बी और सी के बीच में जो भी नंबर आएगा एक्स टू उसके ब, मिडिल वैल्यू है तो एक्स टू कैसे लिखेंगे बी प्लस सी e बाई टू फिर एक्स थ्री निकालेंगे तो सी प्लस डी बाई टू फिर एक्स फोर निकालेंगे डी प्लस ई e बाई टू फिर एक्स फाइव निकालेंगे e प्लस एफ बाई टू फिर x सिक्स निकालेंगे तो f प्लस जी बाई टू और फिर x सेवन निकालेंगे तो जी प्लस एच बाई ठीक है अब हम क्या करते हैं कि इन सब का गुना करते हैं एफ आई एक्स आई एक्स वन बार ई एक्स आई जो है एक्स वन बारह ही है एक्स टू जो है एक्स टू बारह ही है एक्स थ्री जो है वो एक्स थ्री बारह ही है एक्स फोर जो है वो एक्स फोर बारह ही है एक्स फाइव जो है एक्स बार फाइव ही है एक्स सिक्स एक्स सिक्स बार है और एक्स सेवन एक्स सेवन बार है X6, X6 ये जो हमारा क्लास मार्क ही जो है हमारा क्या है मीन है उन दोनों के इंटरवल का मीन अब क्या करते हैं हम कि मीन के फॉर्मूला में एफ आई एक्स आई प्लस एफ टू एक्स टू सबको गुना करना है तो एफ वन इंटू कितना हो जाएगा ए प्लस बी बाई टू हो जाएगा फिर एफ टू इंटू बी प्लस सी बाई टू हो जाएगा फिर एफ थ्री इंटू सी प्लस डी बाई टू हो जाएगा फिर एफ थ्री एफ फोर इंटू डी प्लस ई बाई टू हो जाएगा फिर एफ फाइव इंटू e प्लस एफ बाई टू हो जाएगा फिर एफ सिक्स इंटू एफ प्लस जी बाई टू हो जाएगा ठीक है ना उसी तरह एफ सेवन इंटू जी प्लस एच बाई टू हो जाएगा गुना कर दिए और फिर सबको जोड़ना है सबको क्या करना है जोड़ना है इसलिए यहाँ पे मीन का फॉर्मूला जो है यहाँ पे क्या लिखे हैं कि सिग्मा लगा दिए सिगमा एक्साई एक्साई क्या है बेजी एक्स बार ही है जो इंटरवल का बार है इंटरवल का इंटरवल का मीन है समझ में है ना तो बेसिकली क्लास मार्क जो होता है मीन ऑफ इंटरवल होता है हम बताए थे ना मीन ऑफ इंटरवल इंटरवल का मीन ही होता है समझ में है ना इस तरीके से और उस मीन का मीन निकालना ही जो है मतलब इसको जोड़ के क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो एक्स वार एक्स वन एक एफ वन इंटू ए प्लस बी बाई टू प्लस एफ टू इंटू बी प्लस सी बाई टू प्लस एफ थ्री इंटू सी प्लस डी बाई टू और इसे करते 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 एफ सेवन इंटू एफ सेवन इंटू जी प्लस एच बाई टू एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री करते करते एफ सेवन सबको क्या कर देना है जोड़ देना है वही हमारा क्या होगा मीन का आंसर हो जाएगा क्लियर हुआ तो ये बेसिकली हम तुमको एक्चुअल मतलब समझाए हैं मीन का एक्चुअल में फॉर्मूला बताया कि मीन का फॉर्मूला आता कैसे ठीक है वही वाला है बस इसको हम समझाने का तरीका समझा दें ठीक है चलो तो एक सवाल कर लेते हैं इसमें मीन निकालने का फॉर्मूला से सवाल है इस तरीके से कि इन ए क्लास इन ए क्लास द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूसन ऑफ ऑफ हंड्रेड स्टूडेंट्स आर गिविन फाइंड द मीन ठीक है ये सवाल है और इस तरह से दिया हुआ है यहाँ पे वेट दिया हुआ है वेट आ, क्लास क्लास में नहीं वेट वेट दिया हुआ है कि इस तरह से दस से बीस बीस से तीस तीस से चालीस चालीस से पचास वेट दिया हुआ है दस से बीस केजी में इन केजी में दस से बीस वाले के नंबर जो है फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उनका नंबर ऑफ स्टूडेंट का दस से बीस तक के बीस स्टूडेंट है इसके तीस स्टूडेंट है इस चालीस स्टूडेंट है इसमें दस स्टूडेंट है ठीक है सवाल है इसका मीन बताओ बहुत आसान है मीन निकालना कौन सा बड़ा बात है तो सबसे पहले एक कौन सा मीन निकालेंगे इसका हम ए तो मीन फाइंड करते हैं पहले इस डाटा को जो है हम तरह से लिख देते हैं यहाँ पर हमारा वेट इंटरवल 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 क्या है इंटरवल वेट में दिया हुआ है टेन टू ट्वेंटी के जी फिर ट्वेंटी टू थर्टी के जी फिर थर्टी टू फोर्टी के जी फिर फोर्टी टू फिफ्टी के जी फिर फोर्टी टू फिफ्टी के जी नहीं ना है दस से बीस बीस से तीस तीस से चालीस हाँ इतना ही है फिर उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है एफ आई इसका दिया हुआ है बीस इसका फ्रीक्वेंसी तीस इसका चालीस और इसका दस देखो अगला हम क्या निकालते हैं मीन का फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई ये ना होता है जहाँ एक्स आई होता है क्लास मार्क क्लास मार्क निकालना पड़ेगा ना तो क्लास मार्क निकालने के लिए एक्स आई लिखते हैं कैसे निकालेंगे दस प्लस बीस बाई टू दस और बीस के बीच में पंद्रह होगा बीस प्लस तीस बाई टू पच्चीस होगा चालीस प्लस चालीस बाई टू पैंतीस होगा चालीस प्लस पचास बाई टू पैंतालीस होगा फिर हम क्या करते हैं कि एफ आई एक्स आई निकालते हैं एफ आई एक्स आई निकालते हैं एफ आई एक्स आई कैसे निकालते हैं तो पहले गुना करते हैं बीस में पंद्रह से तो तीन सौ आएगा फिर तीस में पच्चीस से तो सात सौ पचास आएगा फिर चालीस में पैंतीस से तो कितना हो जाएगा चौदह सौ आएगा फिर चा पैंतालीस में दस से तो चार सौ पचास आएगा अब हम क्या करते हैं कि सिग्मा एक्स आई एफ आई सिग्मा करना है मैंने सम करना है तो सम करेंगे इसको सम सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बीस तीस पचास चालीस नब्बे दस सौ सौ आना भी चाहिए क्योंकि हंड्रेड स्टूडेंट का दिया हुआ था वेट ठीक है ना अब ये कितना होगा एफ आई एक्स आई तो तीन सौ प्लस ये कितना हो जाएगा पाँच जीरो हो जाएगा फिर पाँच पाँच दस की जीरो हाथ में एक चार एक पाँच चार नौ सात सोलह तीन उन्नीस की नौ हाथ में एक तो उनतीस सौ आएगा गलती चलती माफ़ करना इसमें बढ़िया से सॉल्व कर लेना अगर गलती हो भी जाए तो ऐड कर लेना तो सिगम सिग्मा एफ आई एक्स आई मैंने सब कुछ सम करना एफ आई एक्स आई को तो कितना आया उनतीस सौ आया सिग्मा मतलब सम वही सम तो यहाँ पर हो जाएगा कितना उनतीस सौ अपॉन सिग्मा एफ आई सिगमा एफ आई कितना है सौ है सौ से डिवाइड किए सौ से सौ कैंसिल आ गया हमारा कितना उनतीस तो हमारा इसका मीन जो होगा वो कितना होगा उनतीस होगा ठीक है चलो तो इस वीडियो में जो है हम तुमको एक मीन निकालने का पहला मेथड बता दिए हैं अगले वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे मीन निकालने का दूसरा मेथड ठीक है ना कौन सा मेथड था अगला डायरेक्ट मेथड पढ़ लिए अगला हम एज्यूम मीन मेथड पढ़ेंगे फिर स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ेंगे ठीक है ऑल द बेस्ट